आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है। तो देखिए, कंसीडर ए गैस टेकिंग पैलेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई भी प्रोसेस को हम एक बार लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। देखिए, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोसेस इज गिवेन एज जी बराबर एच माइनस टी एस, है ना। अगर हम जी बराबर एच को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ई प्लस पी वी में माइनस टी एस हो जाएगा, है ना। लिख देंगे इसके बगल में, चूंकि ई प्लस एच बराबर ई प्लस पी वी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन एवं एक्सप्रेशन। अब ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी जी हो जाएगा डी ई प्लस पी डी वी हो जाएगा, वी डी पी हो जाएगा, माइनस टी डी एस हो जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा। फिर डी जी बराबर डी क्यू प्लस वी डी पी हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बराबर डी क्यू बराबर डी ई होता है, इसीलिए हम डी के बदले हम डी क्यू लिख दिया है। ये डी क्यू है ना टी ई, तो उसके बदले डी क्यू लिख दिए हैं, ठीक है। अब डी जी बराबर, इसको हम डी क्यू बराबर होता है टी डी एस होता है, तो टी डी एस यहाँ लिखेंगे, लिख दिए। और वी डी एफ वी डी पी यही रहेगा, टी डी एस रहेगा, और एस टी टी डी एस से टी डी एस कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। लिखेंगे अब फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सो देखिए, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। प्रोसेस इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रोसेस अभी क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर का मान यहाँ एक होगा, है ना, ये नेग्लिजिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और सरफेस। तो डी जी बराबर हो जाएगा एस डी टी हो जाएगा, है ना। एट इनिशियल स्टेट डी जी वन बराबर हो जाएगा माइनस एस वन डी टी हो जाएगा। एट फाइनल स्टेट डी जी टू बराबर हो जाएगा एस टू डी टी हो जाएगा माइनस में, ठीक है। हम लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस वन, तो अब घटा देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, तो डी जी टू माइनस डी जी वन बराबर एस टू माइनस एस टू डी टी माइनस माइनस एस वन डी टी। तो डी डेल जी, जी टू माइनस जी वन होगा तो डेल जी हो जाएगा ना, तो हम लोग जानते हैं ना कोई भी डेल जी मतलब होता है दोनों का माइनस का अंतर, तो ये हो गया। और माइनस हटा देंगे, एस टू माइनस एस वन इंटू डी टी हो जाएगा, डी डेल जी बराबर हो जाएगा माइनस डेल एस डी टी हो जाएगा। और इसको हम लोग सजा लेंगे तो डी डेल जी बट डी टी आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में डेल एस हो जाएगा। आगे देखिए, ये समीकरण इक्वेशन एक हो गया। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन फ्री एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन एनर्जी क्या कहता है कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस हो जाएगा। तो माइनस डेल एस को हम इधर रखेंगे ना, है ना, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी माइनस डेल एच हो जाएगा, बट्टे में टी हो जाएगा। इक्वेटिंग वन एंड टू। अब इक्वेशन एक और दो को हम लोग देखेंगे बराबर करके। पिछले समीकरण में एक माने थे या ये दो समीकरण है, अब देखेंगे दोनों को बराबर करके क्या देखते हैं। तो वहाँ डेल वहाँ भी एस माइनस डेल एस का मान ये दिया हुआ था और यहाँ भी दिया हुआ था, दोनों को देख लेंगे। देखिए, डेल जी माइनस डेल एच बट टी बराबर ये हो जाएगा इक्वेशन का, है ना। अब इसको सजा लेंगे तो यही हमारा इक्वेशन जो बनेगा, डेल जी बराबर डेल एच प्लस टी इंटू डी डेल जी बट डी टी इंटू कॉन्स्टेंट प्रेशर पी। दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। आई होप, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। ये बीएससी सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए है, गिब्स